प्यारी सत्संगत जी, प्यार से बोलिए दंडनकार जी। आज का टॉपिक है तेरी चिंता यही करेगा नाम इसी का ध्याय जा। तो प्यारे सत्संगत जी, संत महात्मा हमें समझाते हैं कि प्रभु का चिंतन मनन करो, परमात्मा के साथ में जुड़ो, परमात्मा की भक्ति कर लो, प्रभु को याद कर लो। तो जो परमात्मा की भक्ति में मन को लगाते हैं, परमात्मा का चिंतन करते हैं, तो फिर परमात्मा ऐसे भक्तों की चिंता करता है। तेरी चिंता यही करेगा नाम इसी का ध्याय जा। तो प्यारी सत्संगत जी, जितने भी संत महात्मा वली पीर पैगंबर इस दुनिया में आए, संतों ने अवतार लिया, तो सभी ने इसका ही बखान किया, इस बेअंत की महिमा गाई, हरि अनंत हरि कथा अनंता। और निरंकार के सिवा जो कुछ भी हम सोचते हैं तो सारी सोच वृथा है, बेकार है। निरंकार के सिवा अगर हम और कुछ मन में रख रहे हैं तो फिर व्यर्थ में ही हम समय को गंवा रहे हैं। बंदे का है वृथा सोच में, अपना समय गंवाता है, याद हरि को पल पल कर ले काम यही बस आता है। जिसकी आज्ञा निस्तिन चलती सूरज धरती पानी पर, जिसकी आज्ञा निस्तिन चलती दुनिया के हर प्राणी पर, जिसकी आज्ञा बिना जगत में पत्ता भी नहीं हिल सकता, जिसकी आज्ञा बिना जगत में एक तिल भी नहीं मिल सकता। जो यह कुल मखलूक बना के आप ही इसको पाल रहा, जो यह कुल परपंच रचा के सारा खेल संभाल रहा, तेरी चिंता यही करेगा नाम इसी का ध्याय जा, कई अवतार गुरु से मिलकर इसके ही गुण गाए जा। कि इसका चिंतन, इसका मनन केवल और केवल तुही निरंकार, तुही निरंकार किए जा, गीत इसी के गाए जा। कहते हैं कि जब हम तुही निरंकार करते हैं तो हमारे चेहरे पे नूर आता है, चेहरे पे चमक आती है, चित्त बसे जो निरंकार तो चेहरा नूरो नूर रहे। जब परमात्मा हमारे चित्त में आता है, जब हम प्रभु को याद करते हैं, इसका सिमरन करते हैं, तो फिर ये स्वयं हमारी चिंता करता है। चिंता तो सतनाम की और ना चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिना सोई काल की फास। फिकर करे सो बावरा, जिक्र करे सो साध, उठ फरीदा जिक्र कर फिकर करेगा आप। प्यारी सत्संगत जी, इंसान का मन जो है वो अधीर हो जाता है, अपने प्रेसेंस को खो देता है। अगर इंसान कोई भी काम करता है और वो पूरा नहीं होता है तो फिर वो टेंशन लेता है, चिंता करता है। तो इसीलिए संत महात्मा समझाते हैं कि परमात्मा का चिंतन करो, यही हमारी चिंता करेगा, तेरी चिंता यही करेगा नाम इसी का ध्याय जा। सब्र का फल मीठा होता है, सब्र किए जा बंदे तू, आश्रय पर निरंकार के सदा जिए जा बंदे तू। अंग संग तेरे निरंकार है, ध्यान इसी का धरता जा, फिकर ये तेरी आप करेगा, जिक्र इसी का करता जा। निरंकार ने रखा है जैसे, वैसा रह के शुक्र मना, जो होगा अच्छा ही होगा ऐसा मन में भाव बना। पूर्ण सद्गुरु पर जो तेरा एतबार टिक जाएगा, भय चिंता से मुक्ति पाकर सब्र में तू रह पाएगा। तप और त्याग से जीने वाला दुनिया में यश पाता है, कह हर देव हरि को वजन भाता है सुभाता है। तो हमने हमेशा पेशेंस को खोना नहीं है, सब्र रखना है, विश्वास करना है परमात्मा पे कि दातार जो भी करेंगे हमारे भले के लिए करेंगे। और भक्तों का विश्वास पक्का होता है, हमारे मन में अटल विश्वास होता है, जो कुछ हो रहा है परमात्मा की रजा में हो रहा है, प्रभु की रजा में जिनका पूरा ईमान है उनके लिए जिंदगी आसान है। तो भक्त सदैव इस परमात्मा के नगमे गाते हैं, इसी के हवाले हो जाते हैं, हर पल इसके शुक्राने के भाव में रहते हैं। लबों पे शुक्राना और चेहरे पे मुस्कुराना ही होता है। आनंद मगन हो, नित्सुख पाओ, तुही निरंकार करो, गीत इसी के पलछिन गाओ, तुही निरंकार करो, बस तुही निरंकार इसके ही नगमे गाना है, इसका एहसास करना है, अंग संग इसको महसूस करना है कि परमात्मा मेरे साथ है, मेरे पास है। और जीवन में अगर कोई परेशानी आई भी थी परमात्मा सॉल्व कर देगा, क्योंकि मैं इसके हवाले हो गया हूँ। और जो परमात्मा के हवाले हो जाते हैं तो ये परमात्मा उनके सारे संकट का समाधान कर देता है। लेकिन जब निरंतर इसका सिमरन करते हैं, भजन करते हैं, तो हम परेशानियों से बचे रहते हैं। कहे हनुमंत विपद प्रभु सोई, जब तब सिमरन भजन न होई।
अगर सिमरन नहीं होगा, भजन नहीं होगा तो परेशानियां हैं। तो प्यारे साथ संगत जी, आइए हम हर पल प्रभु का चिंतन करें, मनन करें, निरंकार के बारे में सोचें, संत जनों की संगत करके रब की सोच विचार करें, वचन गुरु का रखकर दिल में एक एक का आधार धरें, और जतन है सारे जुटे और सभी उपचार जुटे। कहते हैं कि सारे जतन सारे उपचार जुटे हैं, इस दुनिया के मालिक से अपने मन का नाता जोड़ लो, क्योंकि ये हरि परमात्मा है, अविनाशी है, हर पल हमारे साथ रहता है। तो हम इसके साथ में जुड़ जाएं, इस झूठी दुनिया से अपने मन को मोड़ें और निरंकार के साथ मन को जोड़ें। प्यारी सत्संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।